फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक है, मेरी एक बेटी है जो 8 महीने की है, तो हम उसके लिए फ्रीक्वेंटली एज पर कितने मंथ्स की है या क्या एक्टिविटी कर रही है उसके बेसिस पे हम उसके लिए टॉयज या फिर बुक्स या कुछ भी उसको लर्न करवाने के लिए कुछ ढूंढते हैं। तो एक दिन ऐसे ही हम लोग इंटरनेट स्क्रॉल कर रहे थे तो हमें कुछ ऐसी वेबसाइट्स मिली जो 3 साल से बड़े बच्चों के लिए सब्सक्रिप्शन बेस्ड थी कि हम एक बार उन्हें पेमेंट कर दें और उसके बाद वो फ्रीक्वेंटली हमें कुछ ना कुछ बुक्स या टॉयज या एक्टिविटीज़ भेजेंगे जिससे बच्चे की ब्रेन डेवलपमेंट या उसकी एक्टिविटी की ग्रोथ वो सब होगी। तो हम लोग ने सोचा क्यों ना हम लोग अपने बच्चे के लिए कुछ ऐसा ढूंढें। तब हम लोग ने सर्च करना शुरू किया तो हमारे सामने एक ऐप निकल के आई जिसका नाम है गो बेबलर। पहली बात, ये कोई भी स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये ओरिजिनल वीडियो है जो इसमें किसी का भी कोई मेरा बेनिफिट नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो जब हमने उसके बारे में पढ़ा, हमने देखा, तो हमें काफ़ी इंटरेस्ट आया उसमें कि हमें लगा कि सारी एक्टिविटीज़ हम जो इतना सर्च करते हैं या पता करते हैं वो हमारे लिए काफ़ी आसान हो जाएगी कि वो लोग एज पर एज या एज पर डेवलपमेंट हम लोग को चीज़ें भेजते रहेंगे या बताते रहेंगे, अच्छा अब हमें ये करना है वो करना है। नॉर्मली शायद आप भी, अगर आपके बच्चे हैं तो आप भी सर्च करते हैं कि अच्छा इस टाइम इसके साथ क्या एक्टिविटी करनी चाहिए, इसका क्या डेवलपमेंट हो रहा है, इसे इस समय क्या क्या चीज़ें ग्रोथ हिसाब से आनी चाहिए, माइलस्टोन्स क्या क्या होने चाहिए। तो जब हम लोग ने उस ऐप के बारे में पढ़ा तो उसमें एक ऑप्शन था कि हम उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, तो एक फॉर्म खुल के आया, उस फॉर्म में हमने अपनी डिटेल्स भरी और उनका एक एग्जीक्यूटिव ने हमसे कॉन्टैक्ट किया। तो उनसे हमारी काफ़ी दिन बात हुई, एक हफ्ते तक। लेने के पहले हमने उनसे काफ़ी बातें की, जैसे कि क्वेश्चंस किए कि हमारे बच्चे के लिए कैसे सूटेबल है, कैसे आप वर्क करेंगे और क्या बेनिफिट हैं, और सब कुछ हमने उनसे पूछा जो जो हमारे मन में डाउट था कि आप क्या सिर्फ मेंटल एक्टिविटी पे ध्यान देंगे या फिजिकल पे देंगे कि नहीं, जो भी प्रोसेस है आप उनका। हम लोग ने काफ़ी डिटेल में उनसे बात की और उनका जो कस्टमर केयर था वो बड़ा अच्छा था, उन्होंने हमें सब चीज़ें बहुत पेशेंटली अच्छे से, इनफैक्ट हमने 2-3 बार उसे कॉल करके अपने डाउट्स क्लियर किए। और फिर हमने उनसे पूछा भी कि अगर किसी और ने अभी इसे परचेज किया है, किसी कस्टमर ने, तो क्या हम उससे एक बार बात कर सकते हैं ताकि हमारे क्वेश्चंस जो हैं या उनके बच्चे को बेनिफिट हुआ कि नहीं हम पता कर सकते हैं कि नहीं। तो उन्होंने अपने एक एग्जिस्टिंग कस्टमर का हमसे नंबर शेयर किया और हमने उनसे कॉल करके एक बार बात भी की। ऑल्दो कहीं ना कहीं ये भी डाउट आता है क्या ये भी शायद कंपनी का एम्प्लॉय हो, पर जब मैंने उनसे बात की उन्होंने कुछ भी मुझे लगा नहीं कि वो कंपनी के एम्प्लॉय हैं, वो एक नॉर्मल जनरल हमारी तरह एक कस्टमर थे शायद। तो उन्होंने मुझे बहुत पॉजिटिव फीडबैक दिया कि उनके बच्चे के ऊपर इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट था। उन्होंने मुझे एकदम कहते नहीं है बहुत अच्छे से इंथुजियास्टिकली बोला कि नहीं नहीं आप लीजिए, आपको बेनिफिट ही होगा, कोई नुकसान नहीं। इनफैक्ट वो थोड़े रिग्रेट कर रहे थे कि उनका बच्चा जब उन्होंने लिया तो 2.5 ईयर्स का था और ये आप सिर्फ 3 ईयर्स तक की है, तो कहते पहले लिया होता शायद फ़ायदा होता। तो ये उनके बातें सुन के सब कुछ समझ के हमें लगा कि हाँ हम जा सकते हैं। उनके पास रिफंड पॉलिसी भी है तो हम लोग ने उसके बारे में भी काफ़ी डिटेल से समझा कि अगर हमें नहीं पसंद आए तो क्या हम रिफंड कर सकते हैं, कितना अमाउंट रिफंड होगा, कितना डिडक्ट होगा। तो उन्होंने पेशेंटली हमें सब कुछ समझा दिया। तो हम लोग ने उसका, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट समझाती हूँ बेबलर का, उनका फंडा ये होता है कि वो लोग एक्टिविटी बेस्ड होता है उन लोग का, और उन लोग की खुद की एक ऐप है जो आप लैपटॉप पे यूज़ कर सकते हैं, स्मार्ट टीवीज पे कर सकते हैं, मोबाइल्स पे कर सकते हैं, और साथ ही वो आपको जैसे 3 साल के लिए अगर आप सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं तो हर फर्स्ट ईयर पे, मतलब स्टार्टिंग ऑफ द ईयर, वो आपको एक मटेरियल बॉक्स भेजेंगे जिसमें कुछ 15-20 चीज़ें होंगी जो आपके बच्चे की एज के लिए रेलिवेंट होंगी। और प्लस उनकी जो ऐप है वो हर दिन आपको एक्टिविटी दिखाएगी, बताएगी जो आप अपने बच्चे के साथ करेंगे। उसमें लर्निंग वीडियोज़ होते हैं, म्यूज़िक होता है, अल्फाबेट्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं। अभी तो मैंने, मतलब मेरी बेटी सानवी उसी के हिसाब से ही देखे हुए, तो हमें 15 दिन हो गए उसे यूज़ करते हुए, इसलिए मुझे लगा कि ये फीडबैक मैं आपके साथ शेयर करूँ। तो उसमें जो ऐप है उसमें हमें सारी डिटेल्स भरनी पड़ती है सानवी के लिए, उसके बाद हमें, जैसे हम स्कूल जाते हैं तो हमारा एक टाइम टेबल होता है, वैसे वो हमसे एक टाइम टेबल बनवाता है जिसके हिसाब से हम सानवी को पढ़ाते हैं। और इसके लिए सर वो कहते हैं कि मोबाइल पे मत पढ़ाइए, आप लैपटॉप पे पढ़ाइए। तो हमारा क्वेश्चन था, अरे लैपटॉप मतलब स्क्रीन टाइम, तो खैर लॉकडाउन चल रहा है जो बच्चे, हर ही बच्चा आई गेस सिस्टम पे ही पढ़ रहा है। तो उन्होंने कहा नहीं, स्क्रीन टाइम भी आपका ज़्यादा नहीं है, पूरे दिन में 1/2 आवर है और वो भी लैपटॉप बड़ी स्क्रीन पे।
तो हमें लगा कि हाँ ठीक है, मतलब हम चाहे ना चाहे आज के डेट में कहीं ना कहीं भागती है मोबाइल से लैपटॉप की तरफ, तो इस तरीके से शायद उसकी जो क्यूरियोसिटी है कि लैपटॉप क्या है, मोबाइल क्या है, ये सब भी कम हो जाएगी। तो हम लोग ने उसमें हम उसे एक टाइम स्लॉट बनाते हैं जिस टाइम पे हम उसे पढ़ाएंगे, और उसके एज के हिसाब से होते हैं कुछ चीज़ें। हमें लगता था यार ये बच्ची कैसे सीखेगी इतनी छोटी है, बट 15 दिन में हमें बहुत कुछ डिफरेंस तो नहीं लगा। बट हाँ ये ज़रूर लगा था फर्स्ट डे उसने लैपटॉप पे पढ़ना शुरू किया तो इतना इंटरेस्ट नहीं था, या वो बहुत भाग रही थी, सिर्फ वो लैपटॉप को मारना चाह रही थी। पर अब वो उतनी देर तक एक जगह बैठ के पढ़ लेती है और शायद बोलने की कोशिश थोड़ी ज़्यादा कर रही है, क्योंकि इनफैक्ट सबसे अच्छी बात यह कि पहले हमारा दिमाग उस तरीके से नहीं चलता था, हम उसके साथ उसी की भाषा में बात किया करते थे, ब्ला 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 बा 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 ऑल दैट। पर इस ऐप की वजह से अब हमें लगता है, उसने इनफैक्ट जो काउंसलर थी उसने भी हमें बताया कि हमें उससे एक नॉर्मल लेवल पे ही बात करना चाहिए ताकि वो हमारी बातें सुन के उन वर्ड्स को पिकअप कर पाए। अगर हम उससे ब्ला 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 बाबा बाबा ही बात करेंगे तो पिकअप तो वही करेगी ना, ऐसे अगर हम नॉर्मल वर्ड्स बात तो उसको पिकअप करने के लिए भी तो कहीं ना कहीं वर्ड्स मिलेंगे ना। तो ये मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट लगा। प्लस अब हम उससे थोड़ा एक लेवल ऊपर बात करते हैं जो हम पहले नहीं कर रहे थे। अब हम उसे खुद ही बताते हैं ये कलर है, ये है, पर अब उसके ऊपर वो उसे कितना समझ में आता है ये तो टाइम ही बताएगा। बट ऑनेस्टली अभी तक जितना रहा मेरा बेबलर के साथ मुझे बहुत अच्छा लगा। शायद मैं काफी लोगों को बोलूंगी कि अगर आप ले सकते हो तो आप 1 साल का लेके देखो, ऑल्दो हमने 3 साल का लिया है। एक्चुअली प्रोग्राम ठीक लग रहा था हमें तो हमने सोचा ले सकते हैं, देखते हैं, और रिटर्न पॉलिसी है तो बीच में नहीं लगा तो फिर वी कैन गो अबाउट इट। ये था, ये आपको मैं बेबला के बारे में बता रही हूँ। अगर आप इसके बारे में कुछ जानना चाहेंगे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इसका जब हमारे पास मटेरियल बॉक्स आएगा तो मैं उसका अनबॉक्सिंग वीडियो भी आप लोग के लिए बनाऊंगी, और साथ ही साथ एक दिन मैं सानवी के साथ आप लोग का लाइव वीडियो भी दिखाऊंगी जिसमें हम सानवी को एक्टिविटी लैपटॉप पे करवा रहे हैं 1/2 आवर वाली, एंड एक ऐप का रन थ्रू भी दिखाऊंगी कि ऐप कैसे वर्क करती है और कैसे असिस्ट करती है। तो स्टे ट्यून्ड, सी यू नेक्स्ट टाइम, हैव अ गुड डे एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो, और सी यू, बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।